नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त हम फरीदाबाद के आशा कॉन्वेंट स्कूल में हैं, जहां पर साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। और इस साइंस एग्जीबिशन में आज हम आए हैं और बड़े ही खूबसूरत मॉडल्स यहां साइंस एग्जीबिशन के दौरान छात्र छात्राओं ने लगाए हैं। ये दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो है अमेजोन फॉरेस्ट यहाँ पर बनाया गया है और कई गंभीर विषय हैं, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी को लेकर हो, सोलर पैनल हो, रोबोटिक्स हो, तमाम तरह के मॉडल्स यहाँ छात्र छात्राओं ने जो है प्रदर्शित किए हैं। कहीं यहाँ पर शहर के जाने पहचाने लोग भी आए हैं, शिक्षाविद भी आए हैं, सभी ने बच्चों को खूब सराहा। और आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने जो है सेव वाटर के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो है प्रोजेक्ट बनाए हैं विभिन्न, और काफ़ी मेहनत के साथ, एक महीने की मेहनत। आपको बता दें कोरोना काल के 2 साल के बाद एक बार फिर से जो है एक आशा कॉन्वेंट स्कूल में इस तरह की प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह से यहाँ पर तमाम स्कूली बच्चे हैं और किस तरह से यहाँ पर आए हुए जितने भी, आपको कहना चाहेंगे एक बार कैमरा दिखाइए, और यहाँ पर जितने भी जो गेस्ट आए हुए हैं, जो लोग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं, स्थानीय लोग आए हैं, सभी इस साइंस प्रदर्शनी को कर रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सब जगह पर जो है यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और करीब 100 से ज़्यादा बच्चों ने, 150 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ आए हुए तमाम जितने भी गेस्ट हैं, जो बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं, बच्चों के मॉडल्स देखने आए हैं, आखिर उनका क्या कहना है और बच्चों का क्या कहना है और वहीं टीचर्स का कहना है, ये सब हम आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए। आज जो बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, विज्ञान के को दर्शाया है, ये काफ़ी इन्होंने एक एक चीज़ को हाईलाइट किया है, जिससे कि पता चलता है कि बच्चों की जो तैयारी थी बहुत काफ़ी अच्छी रही है। इन्होंने एक स्टार्टिंग के बारे में बताया कि पानी के जो पानी है, बरसात का पानी है, उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी बच्चों ने इसको एक बांध को बनाया है कि पानी को कैसे सेव किया जाए, पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी प्रदर्शनी में अच्छा वर्णन किया। नमस्कार, मैं शोभित आज़ाद, शिवालिक विद्या निकेतन स्कूल से। जैसे कि आशा कॉन्वेंट स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन लगा है, तो काफ़ी स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, और तरह तरह के जो मैं मॉडल देख रहा हूँ, लाइक हाइड्रोलिक ब्रिजेज हैं और ये हाइड्रो पावर डैम है, रोबोटिक्स हैं, बच्चों की जो अंदर की प्रतिभा है वो आज निकल के आई है। और जो कहते हैं ना, हम तो हमेशा बच्चों को यही सिखाते हैं कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर, क्योंकि और टीचर ही बच्चों को एक गाइडिंग लाइन बनते हैं, तो इसलिए टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसी से ही हमारी अंदर की प्रतिभा निकल के आती है। तो यही है, हम लाइफ में, हम तो सभी बच्चों को यही गाइड करते रहते हैं कि लाइफ में कोशिश कीजिए कि फर्स्ट आने का, क्योंकि सेकंड को कोई याद नहीं करता। जैसे कि कहते हैं ना कि चांद पे भी पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने, दूसरा कोई नहीं जानता। तो इसलिए मेहनत इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हमेशा कोशिश यही रहे कि फर्स्ट ही आए। थैंक यू। अंजलि नाम है, एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल। जी, क्या कहना चाहेंगे आज आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं? सर, कुछ इसमें कुछ स्मार्ट सिटीज़ बनाई गई हैं, जो कि क्या है कि आगे आने वाली जनरेशन को ये बता सकता है कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। साथ में कुछ वाटर सेविंग के भी आइडियाज़ दिए हुए हैं, उसके साथ साथ अपने कुछ स्कूल के भी मॉडल प्रेजेंट किए गए हैं, उसमें ये बता सकते हैं हम अपने स्कूल को और भी कितने बेटर तरीके से बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्ट्रिक्ट डाइट के भी बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। सर, मैं एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल से काजल बोल रही हूँ, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी कहीं पे भी हमें ट्रैवल करना हो तो हम इससे मेट्रो स्टेशन से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। हम इससे प्लांटेशन भी ईजिली कर सकते हैं। हम जैसे अर्बन एरियाज़ में कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम इससे प्रॉब्लम फ्री कर सकते हैं कहीं पर भी, कोई भी चीज़। सर, 1 मंथ लगा था इसे बनाने में। यस सर। माई नेम इज़ अलका। मैंने ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बनाया है। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ये है कि जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, ना ज़्यादा खाद की, इसीलिए ये हमारा मेन पाइप है जिससे इन पेड़ पौधों में पानी जा, उनकी जड़ों तक पानी जा रहा है, उनको शक्तिहीन और उपजाऊ बनाते हैं। और ये सोलर पेट ये है, जो फार्मर्स होते हैं उन वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए सोलर पैनल से ये किया जा सकता है कि ये बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और ये हमने सीखे। तो इसको बनाने में कितना समय लगा आपको? 15-16 डेज लगे।
देखिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है स्कूलों के बच्चों के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे स्कूल जो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हें अपनी अर्थ को सेव करना है, वाटर सेव करना है, पॉल्यूशन मुक्त करना है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज बच्चों के द्वारा दिया जा रहा है। हमें चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को देखते हुए हम अपने जीवन में भी इसे अमल में लेकर आएं। दीपांशी अरोड़ा, सारे ही मॉडल्स बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत से बनाए हैं, सभी बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश करी है और उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश करी है वो सबसे बड़ी बात है, जो मतलब पॉल्यूशन को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी उन्होंने दिए हैं। माई नेम इज सिस्टर, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन SG कॉन्वेंट स्कूल। वी आर प्रिपेयरिंग अ मॉडल हाइड्रो पावर डैम जिसमें रिजॉर्वर है। जब हम रिजॉर्वर को पानी से छोड़ेंगे तो पेन स्ट्रोक के दीवार नीचे जाएगा एंड जब टर्बाइन है टर्बाइन की ब्लेड से वो टच होगा एंड टर्बाइन जब घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बस तो आगे भी वीडियो में बने रहिए, और भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं और भी लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ पर आई हुई और भी टीचर्स, स्टूडेंट्स और पहुँचे हुए लोग। पूजा शर्मा सर, हाइड्रो स्मार्ट सिटी है, ग्रीन सिटी है एंड सोलर सिस्टम्स है एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स है, काफ़ी तरीके के प्रोजेक्ट हैं। बच्चों ने बहुत ही, सभी स्कूल्स के बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो ये सब चीज़ें देख के हमें लग रहा है कि जैसे 2 साल में बच्चों ने कोविड में जिन सिम्टम्स से निकले हैं बच्चे, उन लोगों ने बहुत रिकवरी करी है अपने आप में, और मैंने इतनी लगन देखी है इस प्रोजेक्ट में बच्चों के अंदर, बहुत एक्साइटेड है बच्चे। तो मैं चाहती हूँ जो भी लोग इनको आ रहे हैं अच्छे अच्छे व्यूज़ दें और इनको और मोटिवेट करें। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रियंका है, मैं LPS कॉन्वेंट स्कूल से हूँ एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर जी। टोटल हमारे जो हैं वो 5 to 6 स्कूल्स हैं जिसमें से 195 के नियर बाय स्टूडेंट्स हैं, और सब ने अलग अलग तरीके के मॉडल्स बनाए हैं जिससे आगे आने वाली जनरेशन में भी वो काम देगा, प्लस जो अभी चल रहा है जैसे पॉल्यूशन है, इन सबको देख कर ही इस पर काम किया गया है। संजय चौधरी, आज के प्रदर्शनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का क्या है कि सारे बच्चों को मैंने इनिशिएट किया वर्क करने के लिए, सारे बच्चों को इनिशिएट किया, इनको गाइडेंस दी है कि अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए, कोई भी वायरिंग वगैरह कैसे हम आगे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। कोई फॉल्ट हुआ, बहुत बार हम इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स खराब करे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खराब करे, पर इनको इनिशिएट किस लिए किया कि आगे जाके फ्यूचर में कुछ कर सके, कुछ बन सके, अपने आप को डेवलप कर सके। अलका आर्या, हाँ ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी है, बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है सोलर सिस्टम पे और पोल्यूशन पे, हाइड्रोलिक सिस्टम पे, बहुत अच्छा, मतलब बच्चों ने मेहनत भी बहुत अच्छी की, और मेन बात है कि जो उन्होंने बनाया उसके लिए जो उनका इम्प्रेशन है और एक्सप्रेशन है, और बच्चे पूरी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये इसका ये यूज़ है और इसका ये सिस्टम है, सबसे बेटर हमें ये लगा। मॉडल तो हर कोई बना लेता है बट उसके लिए इतना क्लियर, उसके लिए वो स्पष्टीकरण देना वो एक अलग बात होती है। बच्चों ने बड़े अच्छे से हम लोगों को बताया कि हमने ये जो बनाया है इसका क्या यूज़ है और आगे फ्यूचर में इसका क्या फ़ायदा है, और मेन जो मुझे इन्होंने हिस्टोरिकल भी उठाया कि मोहनजोदड़ो का जो बनाया उन्होंने, उन्होंने ये बताया कि जो हमें वहाँ से इंस्ट्रक्ट मिले सब मिला, वो बड़ा अच्छा लगा, मतलब साइंस के साथ साथ इन्होंने हिस्ट्री को भी लिया, तो बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत ही बेटर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है बच्चों ने, देखने में बहुत अच्छा लगा इनका सोलर सिस्टम और जो सिस्टम इन्होंने बनाया वायर हस्टिंग वगैरह का, बहुत अच्छा लगा। हाइड्रोलिक ब्रिज वगैरह जो बनाया आज के युग का बहुत ज़रूरत है। देखिए जो कामयाबी है ये हमारे बच्चों की है, हमारे स्टाफ मेंबर्स की है जिन्होंने इतनी शिद्दत से इस प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुल बनाया है, और पिछले एक महीने से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, आशा कॉन्वेंट स्कूल के, वो इस प्रदर्शनी में लगे पड़े थे उसको बनाने के लिए, और इसमें काफ़ी टाइम से इन्होंने जो अपना पूरा योगदान दिया है। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं स्पेशली हमारे संजय चौधरी हैं, मनीषा मैडम हैं, साथ में हमारे सुषमा मैडम हैं, प्रियंका मैडम हैं, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, बच्चों को मोटिवेट किया है कि बच्चे जो हैं अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें, और यहाँ और भी स्कूल्स आए हुए हैं एंड दे डिड वेल आल्सो। लगभग कितने बच्चों ने जो आज पार्टिसिपेट किए हैं? इसमें लगभग 160 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और लगभग 65-66 मॉडल हैं जिसमें बहुत सारे वर्किंग हैं, कुछ नॉन वर्किंग हैं, और हिस्ट्री के भी हैं और साइंस के भी हैं। हालांकि साइंस का है और उसमें वाहवाही के लिए यानी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं क्या करूँ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं,
और वो जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करता हूं और विशेष करता हूं कि वो आगे चलें। देश के लिए बहुत बड़े प्रेरणादायक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो इन बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा निकल सकता है? जी बिल्कुल, यही प्रयत्न है हमारा कि बच्चे इस ढंग से जिस तरह से छोटे छोटे मॉडल बना करके आगे चल रहे हैं, अपना नाम बढ़ा रहे हैं, एज वेल एज इस टाइप से कोई बच्चा आगे साइंटिस्ट बन सकता है तो हमारे देश का गौरव भी बढ़ाएगा, हमारे विद्यालय का गौरव भी बढ़ाएगा और अपने परिवार का। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।